5 नवंबर को सूर्यवंशी रिलीज हो रही है। सिंघम और सिम्बा के बाद रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स की अगली फिल्म। पहले वाले पुलिस वालों की तरह सूर्यवंशी भी कानून अपने हाथ में लेगा, धाराएं तोड़ेगा, फिर से उसे समाज की भलाई की शक्ल दे दी जाए। आप में से कोई लोग फिल्म देखने जाएंगे, उसके कानून हाथ में लेने वाली सीन पर तालियां बजाएंगे, सीटी मारेंगे। लेकिन ऐसा करने से पहले एक तमिल फिल्म के बारे में जरूर सोचिएगा, जय भीम के बारे में। जय भीम अपने पहले ही सीन से दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब हो जाती है। पहले सीन में दिखता है कि कुछ लोग लोकल जेल से बाहर निकले हैं और उनका परिवार बाहर इंतजार कर रहा है। बाहर निकल रहे लोगों को उनकी कास्ट पूछ कर रोका जाता है और जो निचली कास्ट के होते हैं उन्हें फिर से किसी पुराने केस में आरोपी बनाकर पुलिस को सौंप दिया जाता है। पुलिस उसे टॉर्चर करती है इस ढंग से कि आप गुस्से से डांट दबाने लगे। उन्हें ऐसा जुर्म कबूल करने को कहती है जो उन्होंने किया ही नहीं। उन आदिवासियों में से एक होता है राजा कानू, जिनकी बीवी अपने पति को बचाने के लिए संडू नाम के वकील की मदद लेती है। संडू ह्यूमन राइट्स के केसेस को खास तवज्जो देता है, लेकिन इस केस की तह तक पहुंचने में उसके सामने जो घिनौना सच आता है यही फिल्म की कहानी है। ऐसा सच जो सदियों से हमारे बीच है, बस हमने उसकी तरफ से आंखें फेरी है। जय भीम सूर्या के करियर की सबसे अहम फिल्मों में से एक बन गई है। इस फिल्म की सबसे खास बात है इसे पेश करने का अंदाज। फिल्म में सिर्फ हीरो पर ही फोकस नहीं दिया गया है, बल्कि सच्ची घटना के हिसाब से अन्य किरदारों पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। सिर्फ पुलिस ब्रुटेलिटी जय भीम की थीम नहीं है, ये उस मानसिकता में उतरने की कोशिश करती है जिससे पुलिस ब्रुटेलिटी जैसी हिंसा ने जन्म लिया। उन पूर्वाग्रह को सामने लाती है जो एक को दूसरे से ऊपर समझने का हक देते हैं। ऐसे भेदभाव को विमर्श बनाकर पहले भी सिनेमा बन चुका है, जहां इस थीम को सतल रखा गया ताकि ऑडियंस खुद उस फर्क को महसूस कर सके। लेकिन जय भीम ऐसा नहीं करती, ये ऊंच नीच वाले भेद को सतल न रखते हुए क्लियर कट सामने रखती है, जैसे राजा कानू सांप पकड़ने का काम करता है। एक बार गांव के किसी प्रभावशाली आदमी का नौकर उसे बुलाने आता है, अपनी मुंह पैर पे बैठने को कहता है। बैठते वक्त राजा सहारा लेने के लिए उसके कंधे पर हाथ रख देता है, तभी वो तीसरी नजर से पीछे पलटता है। राजा अपनी भूल सुधारते हुए हाथ हटा लेता है। मेरे लिए पुलिस टॉर्चर वाली सीन्स सबसे डिस्टर्बिंग थे। अगर आप उन सीन्स को बतौर दर्शक देख रहे हैं तो आपको गिल्ट अंडर से खाएगी कि आप भी सुप रखकर अत्याचारी के साथ है, और अगर आप उन सीन्स में उतरेंगे तो उन आदिवासियों की वेदना महसूस किए बिना नहीं रह पाएंगे, जो किसी को भी विचलित करने के लिए काफी है। यह फिल्म की सिनेमेटोग्राफी को भी क्रेडिट दिया जाना चाहिए वो माहौल क्रिएट करने के लिए। अगर आप पूरी फिल्म देखेंगे तो पाएंगे कि इसकी सिनेमेटोग्राफी नैरेटिव के साथ चलती है, जैसे संधू और आईजी पेरुमल स्वामी के कैरेक्टर्स, जिन्हें निभाया है सूर्या और प्रकाश राज ने। फिल्म के शुरुआत में दोनों कैरेक्टर्स की सोच एक दूसरे से नॉर्थ साउथ चलती है, इसलिए एक सीन में दोनों एक गाड़ी के बगल में एक दूसरे को फेस करते हुए खड़े हैं। ऐसे में कैमरे को गाड़ी की दूसरी ओर प्लेस किया गया ताकि फ्रेम में संधू और पेरुमल स्वामी एक दूसरे के आमने सामने दिखे और उनके बीच गाड़ी के विंडो फ्रेम को रुकावट की तरफ दिखाया जा सके, कि जैसे दोनों का सोचना सही है बस उनकी विचारधारा में भेद है। आगे दोनों की विचारधारा का यह फर्क मिटने लगता है। ऐसे में एक सीन में दोनों को उसी गाड़ी के अंदर बैठा दिखाया गया है, वो भी एक दूसरे के अगल बगल में। जय भीम एक असली घटना पर आधारित है। फिल्म को मास अपील देने के लिए कुछ हिस्सों को ड्रामेटाइज किया गया है जिनकी जरूरत महसूस नहीं होती, यही वजह है कि कुछ हिस्सों में फिल्म स्लो लग सकती है। ये फिल्म अपने मैसेजिंग के साथ इंसाफ कर पाने में कामयाब हो जाती है। बाकी ऐसे टॉपिक्स पर पहले बनी फिल्म से तुलना करना समझदारी नहीं होगी। अगर आपको कुछ अलग और शानदार देखना है तो ये फिल्म आप देख सकते हैं। अमेजोन प्राइम वीडियो के अंदर आपको ये फिल्म मिल जाएगा। और रेटिंग की बात की जाए तो मैं इसे 4.9 स्टार देना चाहूँगा आउट ऑफ 5 स्टार। और न्यू अपकमिंग मूवीज़ के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है।